परफॉर्म किया है बस्मर मन रही जी बिल्कुल शायद भाई हम uh, अभी तक अंडर परफॉर्म किए ऐसे तीनों शोबों में मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से हम ऐसे अंडर परफॉर्म नहीं हुए और uh, वो हमें भी पता है क्योंकि हम इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे लेकिन uh, हमारी टीम ने पहले भी इस ऐसे सिचुएशन से बाउंस बैक किया और uh, हम होपफुली इनशाला ऐसी सिचुएशन से फिर निकलेंगे शादाब कितना कॉन्फिडेंस है टीम के अभी भी क्योंकि चांसेस तो पाकिस्तान के पास है चारों मैचेस जीत के हम जा सकते हैं तो कितने कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान टीम अगले क्योंकि साउथ अफ्रीका का मैच है फिर अगले टफ मैचेस है कि हम जीते पहले भी हम कई बार नीचे गिर के उठ चुके हैं देखिए जिस तरह मैंने पहले बोला है कि हम ऐसी सिचुएशन से हमें निकलना आता है और यकीन पे मुआवजे होते हैं और हम हमें पूरा यकीन है अपनी टीम पे हमें जिस तरह की हमारी टीम खेलती आ रही थी वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड uh, कप में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई लेकिन uh, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एज ए टीम हम uh, हमेशा uh, इतना अच्छा नहीं खेलेंगे आपके बैड डेज आते हैं लेकिन मुझे लगता है कि uh, कल से हमें विनिंग स्ट्रीट स्टार्ट करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह uh, पूरी उम्मीद है कि हम uh, कल से अपनी विनिंग स्ट्रीट स्टार्ट करें शुदाब योर शुदाब द वे यू एंड निक्सिकार बैटेड अगेन अफगानिस्तान यू you नो know, ऑन 10 15 आवर्स Uh, that helped Pakistan to get to the total that you got that day. How important is for the middle-order power hitters to fire consistently for uh, teams to do well, given the way the trend we are seeing in this tournament? Yeah, it is very important. You know, uh, especially nowadays how cricket is playing now. Modern-day cricket, you know.

मोटिवेट तो uh, से अपने आप को उठाएंगे इस गेम के लिए और किस तरह की परफॉर्मेंस हम आपसे एक्सपेक्ट करें देखिए तनकीद तो जो हो रही है वो वैलड है क्योंकि uh, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो तो वैलड है uh, लेकिन uh, बिल्कुल इतने बड़े टूर्नामेंट में uh, परफॉर्मेंस नहीं हो रही लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दिन एक जैसे रहते हैं अप्स एंड डाउन क्रिकेट में लगा रहता है और इन मुझे लगता है कि आ, हमारे जितने भी बॉलर्स हैं आ, वो अच्छे रिदम में लग रहे हैं आ, पैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है मेरे से उस तरह बॉलिंग नहीं हो रही लेकिन जितने बाकी बॉलर्स हैं वो पैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उम्मीद है क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले भी ये बोला था कि जिनकी जिस टीम की बॉलिंग फॉर्म अच्छी होगी वो टीम आ, आपको टॉप में नजर आएगी तो वो चीजें शो हो रही हैं अभी तक क्योंकि एस पिचेस पे जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ आपको बॉलिं, बॉलिंग बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है तो आ, हमें तीनों शोबों में काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया अभी तक वर्ल्ड कप में तो एज ए बॉलिंग यूनिट हमें आ, उठना पड़ेगा और अपनी टीम को जिताना पड़ेगा शादाब पहले से यू हैड अ लॉट ऑफ बैटिंग टैलेंट बट अभी पिछले दो तीन साल में आप मतलब जेनुइन ऑलराउंडर बन गए हैं जो बैटिंग इसका बैटिंग कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस उस समय में आप क्या आपको को थोड़ा वर्कलोड बैलेंस करने में कुछ ऐसा डिफिकल्टी रहा है कि यू नो बॉलिंग पे भी ध्यान देना है बैटिंग भी uh, ऐसा कुछ हुआ है और हाउ आर यू फाइंडिंग इट टू एडजस्ट टू यू नो दिस द डिमांड देखिए आज आजकल की क्रिकेट में मेरे ख्याल से जो वर्कलोड है ऑलराउंडर का वो बाकियों के न डबल होता है क्योंकि आपने दोनों शोबों में तीनों शोबों में आपने एक्स्ट्रा टाइम देना होता है तो कभी कभार ऐसे होता है कि टाइम एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ तो मेरा मेन फोकस होता है कि मैं बोलें में बॉलिंग को जितना ज़्यादा टाइम दे सकूँ बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है और उससे टीम को काफ़ी फ़ायदा होता है बैलेंस करने में टीम के लिए तो कोशिश होती है कि एज ए ऑलराउंडर आप एक्स्ट्रा करते रहो क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर ऑलराउंडर से का काफ़ी अच्छा जो बैलेंस बनता है टीम का तो कोशिश होती है कि दोनों शोबे में उस तरह मैंने करो उस तरह परफॉर्म करें कि टीम को हेल्प हो शायद ये एक्सक्यूज ना हो पाकिस्तान के तीन मैचेस हारने का लेकिन अहमदाबाद में प्लेयर्स की तबियत खराब हो जाना फिर बेंगलोर में आके तबीयत खराब हो जाना फखर अभी तक रिकवर पूरी तरह नहीं कर पाए हैं उसामा वहां बीमार रहे नवाज यहाँ बीमार रहे ये कितना बड़ा फैक्टर रहा है पाकिस्तानी टीम की इस जर्नी में अब तक जो तीन मैच सामने आ रहे हैं देखे आ... जब हारते हैं तो काफी चीजें छोटी छोटी चीजें भी लगती हैं कि वो बहुत बड़ी हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये कोई एक्सक्यूज है या कुछ मुझे लगता है कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है बीमार होना हम बचपन से ऐसे ऐसे मैचेस भी खेले हैं जिसमें बुखार ज्यादा होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सक्यूज़ है हम एज ए टीम इतना अच्छा नहीं खेले आ, जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आ, हमें बाउंस बैक करना है और कल से क्योंकि कल से हमारे डू एंड डाई मैच स्टार्ट हैं तो आ, हमें अपनी जो जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर रह के और उसको एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना है हाँ शादाबीक आपने अभी बात की कि डू एंड डाई मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं तो क्या जब आपको सिर्फ यही होता है कि भाई अब जीतना ही है और कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा हारने का चांस ही नहीं है तो क्या उससे प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है